तो चांद पर जीत हासिल करने के साथ ही भारत ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हो पाया था। यहाँ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है और भारत की इस कामयाबी का जश्न देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न दुनिया में जमकर मनाया गया है। अब तस्वीरें देखिए, चांद पर मिली जीत का जश्न देखते ही मन रहे, चाहे मुंबई हो, सूरत हो, केदारनाथ धाम हो, हर जगह पर कमोवेश एक ही स्थिति, सबके हाथ में तिरंगा और नाचते गाते लोग। बिल्कुल, और जैसे ही ये सफल लैंडिंग हुई उसके बाद न केवल बल्कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया ने लोहा का डंका बजा और कैसे ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए, चाहे सेना पर सरहद की सुरक्षा कर रहे हो, जवान हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, देश के आम लोगों, खुशबू आप और हम स्टूडियो में बैठकर कल तालियां बजा रहे थे। बिल्कुल, चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो का जो ट्वीट है वो सामने आया है। लैंडर से बाहर निकला रोवर प्रज्ञान, ये ट्वीट इसरो की तरफ से किया गया है। रोवर प्रज्ञान ने चांद पर सैर की है, इसरो ने ये बता दिया है। यानी कल जैसे ही लैंडिंग हुई और लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर निकला 2.5 घंटे बाद, उसके बाद उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। पहली तस्वीर उसने भेजी और अब फिलहाल ये जानकारी है कि वो अब उसके चक्कर लगा रहा है, यानी वो सारी जानकारी जुटाएगा आने वाले 14 दिनों में जिसकी जरूरत है। Soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, applauding. Let us all wait. अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने जीत का परचम लहरा दिया है। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करते ही पूरी दुनिया में भारत की धाक जम गई। धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। India is now on the moon. आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखना कोई आसान काम नहीं था। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जिसका सपना देखने से दुनिया के देश डरते थे। भारत बार बार ये साबित कर रहा है, स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है, इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 मिशन के फेल हो जाने के बाद भी भारत का हौसला टूटा नहीं, बल्कि देश के वैज्ञानिक और दोगुनी ताकत से दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी में जुट गए थे। यही वजह है कि आज ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। चांद के साउथ पोल पर उतरने का कारनामा करना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रूस जैसे मजबूत देश का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का सपना चकनाचूर हो चुका है। भारी भरकम बजट और अनुभवी वैज्ञानिकों के बावजूद रूस का लूना 25 अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। भारत की कामयाबी ये साबित करती है कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अब एक सफल नाम बन चुका है। भारत की ये कामयाबी इसलिए भी अहम हो जाती है कि पिछले 4 साल में भारत समेत 4 बड़े देशों ने मून मिशन के लिए कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इसमें भारत के अलावा इसराइल, जापान और रूस जैसे देशों का नाम शुमार है। दिलचस्प बात यह है कि हर बार ये मिशन लैंडिंग यानी अंतिम प्रक्रिया के दौरान ही फेल हुए और चांद की सतह पर क्रैश हो गए। स्पेस मिशन में असफलता के बाद जहां अधिकांश देश दोबारा चंद्रयान मिशन के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए, वहीं भारत ने फिर से कोशिश की और कामयाबी हासिल की। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। अब जब हमने चांद पर देश का तिरंगा लहरा दिया है तो ये भी जान लीजिए कि इससे हमें फायदे क्या क्या होंगे। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत चांद पर उतरने वाला दुनिया का 4th देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने ये मुकाम हासिल किया है। इससे स्पेस टेक्नोलॉजी के मार्केट में भारत की साख बढ़ेगी और कारोबार भी बढ़ेगा। चंद्रयान 3 की सफलता ने इसरो को मशहूर बना दिया है। अब इसरो का नाम पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल हो गया है। अपनी किफायती कमर्शियल लॉन्चिंग के साथ दुनिया को नई तकनीक देने वाला इसरो अब जाना माना नाम बन गया है।
इस सफलता से रक्षा क्षेत्र में नक्शा बनाने, मौसम और संचार जैसी सुविधा को और विकसित करने में मदद मिलेगी। इन कार्यों के लिए चंद्रयान में लगे पेलोड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सभी से आम आदमी का जीवन और आसान बनेगा। यहाँ चंद्रयान का रोवर चांद की मिट्टी, वातावरण के साथ वहाँ मौजूद मिनरल्स और पानी होने की संभावना का पता लगाएगा। दक्षिणी ध्रुव के कई ऐसे हिस्से हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हुए हैं और यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। ऐसे में इस दुर्लभ स्थान से रोवर की एक एक जानकारी ऐतिहासिक साबित हो सकती है। इससे कई तरह के रिसर्च में आसानी होगी। साथ ही ये चांद की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता भी लगाएगा। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी का पता लगाने का भी काम करेगा। चंद्रमा पर पानी का पता लगने और उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प भी मिलेगा। इसरो शुरू से ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने की तैयारी कर रहा था, वहां उतरने की कोशिश में जुटा था। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में इसी तरह के प्रयास किए गए थे और अब चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के साथ भारत इतिहास रच चुका है। टीम न्यूज नेशन। तो किस्से, कहानियों और कविताओं में हमेशा दूर के कहे जाने वाले चंदा मामा अब दूर के नहीं रहे हैं। यहाँ भारत का मिशन मून कामयाब हो चुका है और वो चंदा मामा की गोद में जा पहुंचा है। तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान के मिशन मून की उपलब्धि पर उसे सलाम कर रही है। और चंद्र क्रांति का ये मिशन जिन चेहरों की बदौलत कामयाबी के शिखर पर पहुंचा, वो कौन है, देखिए इस रिपोर्ट में। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड हुआ। इसी के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। पूरा देश चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मना रहा है। भारत को मिली इस कामयाबी के पीछे इसरो टीम की कड़ी मेहनत और प्रतिज्ञा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 4 साल चांद पर तिरंगा फहराने में लगा दिए। उनकी जिंदगी के हर क्षण में मिशन मून शामिल रहा। जिस टीम ने भारत के मिशन मून को कामयाब बनाया, उसका सबसे अहम चेहरा है इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ। भारत का मिशन मून इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ की अगुवाई में ही कामयाब हुआ। बतौर एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर एस सोमनाथ ने व्हीकल मार्क 3 डिजाइन किया, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा गया। बाहुबली रॉकेट ने ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया। सर, हिस्ट्री बना दिया है। आज हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड किया है, तो हम बहुत खुशी की बात है ना। हम देख रहे थे लगातार, अब जिनसे बात हो रही थी, आप कॉन्फिडेंट थे, क्या था वो जिसे इतनी कॉन्फिडेंस आई? हम तो कॉन्फिडेंस इसी से आया कि हमारे चंद्रयान 2 में जो तकलीफ हुआ था, उस सभी के बारे में हमने जो सोच विचार किया, एक्सपेरिमेंट्स किया, उस सब से हमको ये पता चला किससे ये हुआ, ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका चंद्रयान 2 में, तो हमने जो करेक्शन चाहिए सो सभी को दिया है। भारत के मिशन मून को कामयाब बनाने वाली टीम का दूसरा चेहरा है मिशन चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल। पी वीर मुथुवेल ने 2019 में चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने इसरो के मुख्य कार्यालय में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम कार्यालय में उप निदेशक का पद संभाला था। उन्होंने भारत की महत्वाकांक्षी चंद्रमा अन्वेषण श्रृंखला के दूसरे संस्करण चंद्रयान 2 मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। वीर मुथुवेल तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं। It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the fourth country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. We
मिशन चंद्रयान 3 को कामयाब बनाने में नारी शक्ति की भी अहम भूमिका रही। मिशन मून में इस नारी शक्ति का चेहरा बनी डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर के कल्पना। चंद्रयान 3 मिशन में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर कल्पना नारी शक्ति का प्रतीक बनकर उभरी। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने मून मिशन का सपना नहीं छोड़ा। वो बीते 4 सालों से दिन रात इसी मिशन को जी रही थी। वे यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में बतौर डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की अहम भूमिका निभा रही हैं। इट विल रिमेन द मोस्ट मेमोरेबल एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस फॉर आवर टीम चंद्रयान 3। We have achieved our goal flawlessly from the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience. It has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team, and starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team. चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के वाली कहावत आपको याद होगी। अब ये कहावत बदलेगी क्योंकि अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हिंदुस्तान जा पहुंचा है जहां आज से पहले कोई नहीं पहुंचा। अब हम मिथक भी बदलेंगे और कथानक भी, और ऐसा संभव करने वाली टीम का चौथा चेहरा है यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक एम शंकरन। एम शंकरन जून 2021 से यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में निदेशक की भूमिका निभा रहे हैं। यूआरएससी को इसरो के लिए भारत के सभी उपग्रहों की डिजाइन और निर्माण का काम सौंपा गया है। वर्तमान में शंकरन ऐसे उपग्रहों के निर्माण के लिए जिम्मेदार टीम की अगुवाई करते हैं जो संचार, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, मौसम पूर्वानुमान और ग्रहों की खोज सहित भारत की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। टुडे वी हैव अचीव्ड व्हाट वी सेट आउट अचीव इन 2019। इट वाज डिलेड बाय अबाउट 4 इयर्स बट वी हैव डन इट। When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की मौजूदगी है। ऐसे में अगर दक्षिणी ध्रुव पर हिम का कोई कण भी है तो वो हमारे रोवर प्रज्ञान की नजरों से बच नहीं पाएगा। जीवन की गुंजाइश हो या ना हो, धरा पर मानवता के कल्याण के लिए जो भी इस्तेमाल हो सकेगा उसका रास्ता हमारा चंद्रयान प्रशस्त करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा संभव हुआ है टीम इसरो की दिन रात की मेहनत और साधना से। टीम न्यूज़।